नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की सीरीज मैं फिर से दे रहा हूं आप लोग को। और अगर इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वह मैं वीडियो बनाकर आप लोग के सामने लाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के तीन, एक बहुत बड़े छोटे नगर हैं लेकिन आमतौर पर थोड़ा विशेष है, इसलिए तीन नगरों की चर्चा मैं करूंगा। तीन नगरों की चर्चा करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के, एक रोपड़, बनमाली और कुड़ाल। रोपड़, बनमाली, कुड़ाल तीन ऐसे नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जिसकी चर्चा बहुत ही विस्तृत और संक्षिप्त में इसकी चर्चा की जाएगी। रोपड़, बनमाली और कुड़ाल तीन नगर हैं, तीनों की चर्चा आज के वीडियो में करूंगा। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, बहुत कम कीमत पर सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो मैं बनमाली की चर्चा करूंगा, बनवाली की चर्चा करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली पड़ता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। बनवाली से बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, आमतौर पर बनवाली से एक खिलौना मिला हुआ है जो हल की आकृति का है। जिस तरह से जान लीजिए बच्चे खेलते हैं ना तो खेलते हैं, वैसे बच्चों का खिलौना है जो हल की आकृति का है। कुल मिलाकर आप मान सकते हैं मिट्टी का हल है, मिट्टी का खिलौना है जिसकी आकृति हल की है, तो यह बनवाली से मिला हुआ है। जिससे प्रतीत होता है, साफ साफ संकेत जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे हल से परिचित थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह जो खेती करते थे वह हल से जोत कर करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में ही हल का आविष्कार हो गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बनवाली से मिट्टी का एक खिलौना मिला हुआ है जो हल की आकृति का है, और यह मिला हुआ है बनवाली से। बनवाली जो है यह सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती आज के समय में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है और इसकी खोज जारी है, तो सरस्वती नदी के किनारे बनवाली था। बनवाली से एक और चीज मिली हुई है, बनवाली से अग्निकुंड मिला हुआ है। अग्निकुंड आप लोग जानते हैं, जिसमें ऋषि महर्षि लोग, जैसे आज भी जिस तरह जिनको यज्ञ में आहुति देना होता है, जो भी सामग्री होती है अग्नि में डालते हैं, तो उसे ही अग्निकुंड बोलते हैं। आज भी यज्ञ जहां होता है वहां अग्निकुंड बनाया जाता है, जो भी हवन होता है तो अग्निकुंड बनाया जाता है। तो इस तरह के अग्निकुंड के साक्ष भी बनवाली से मिले हैं। तो बनवाली से मिट्टी का खिलौना, हल्की आकृति का मिट्टी का खिलौना मिला हुआ है तथा अग्निकुंड के साक्ष मिले हुए हैं। अग्निकुंड और मिट्टी का खिलौना, देखिए अग्निकुंड मिला हुआ है और मिट्टी का खिलौना मतलब हल की आकृति का मिट्टी का खिलौना मिला हुआ है, यह बनवाली से मिला हुआ है। लेकिन अग्निकुंड जो है वह आपके लोथल और कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष मिले हुए हैं। इसके अलावा बनवाली से भी अग्निकुंड का साक्ष मिला हुआ है। तो बनवाली के बारे में इतना मैं आपको बताया हूं, इतना पर्याप्त है, और यह एनसीईआरटी हिस्ट्री का समझिए जबरदस्त फैक्ट है जो मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो बनवाली के बारे में इतना क्लियर है। अब बनवाली के बारे में हम चर्चा करेंगे रोपड़ के बारे में। रोपड़ की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज किया था। और रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का यह भी स्थल है, यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे पड़ता है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे पड़ता है। देखिए रोपड़ में कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान का साक्ष मिला हुआ है। कब्रिस्तान के बारे में हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता में भी मिला हुआ है, मतलब हड़प्पा नगर में भी कब्रिस्तान के साक्ष मिले हुए हैं। कब्रिस्तान का जो साक्ष मिला हुआ है वह हड़प्पा नगर में मिला हुआ है, और वहां पर एक लकड़ी का ताबूत भी मिला हुआ है। एक बात और बता दूंगा आप लोग को कि हड़प्पा नगर में शव को दफनाने की प्रथा थी, मतलब शव को दफनाया जाता था। जिस तरह से ईसाइयों में, मुस्लिमों में दफनाया जाता है, वैसे ही हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शव को
जलाने की प्रथा थी। अब इसका मतलब यह मत समझिएगा कि हड़प्पा में भी हिंदू या मुसलमान थे, ऐसा कोई बात नहीं है, हड़प्पा में हिंदू मुसलमान नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म का उदय हड़प्पा सभ्यता में हो गया था, उसकी चर्चा बाद में किया जाएगा। तो देखिए रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे पड़ता है और यहाँ पर कब्रिस्तान का साक्ष मिला हुआ है। इसके अलावा कब्रिस्तान का साक्ष हड़प्पा में भी मिला हुआ है और वहां पर R37 नामक कब्रिस्तान का साक्ष जो मिला है, देखिए R37 नामक कब्रिस्तान का साक्ष जो मिला हुआ है वह हड़प्पा से मिला हुआ है। हड़प्पा से इसकी चर्चा मैं शायद पिछले वीडियो में नहीं किया था, इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूं। R37 नामक कब्रिस्तान मिला हुआ है हड़प्पा से और लकड़ी का ताबूत, मतलब शव को रखे जाने वाला जो बॉक्स होता है उसे ताबूत बोलते हैं, तो लकड़ी का जो ताबूत मिला हुआ है यह भी हड़प्पा से मिला हुआ है। और यह जो लकड़ी का ताबूत है देवदार का है, देवदार एक वृक्ष है उससे यह ताबूत बनाया गया है। तो यह समझ लीजिए कब्रिस्तान का जो साक्ष मिला हुआ है यह हड़प्पा से मिला हुआ है। इसके अलावा कब्रिस्तान का साक्ष रोपड़ से भी मिला हुआ है। रोपड़ में क्या हुआ है, रोपड़ में कि जो शव को दफनाया गया है, कई जगह शव को जहां दफनाया गया है वहां कुत्ते को भी दफना दिया गया है, मतलब आदमी और कुत्ते का कंकाल एक जगह मिला हुआ है रोपड़ में। रोपड़ में कब्रिस्तान का साक्ष मिला हुआ है और वहां कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष मिला हुआ है। तो यह बनवाली और रोपड़ इतना आप जान लें क्लियर हो गया। और एक और चीज, कुड़ाल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कुड़ाल भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, यह भी हरियाणा में पड़ता है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। कुड़ाल जो है हरियाणा में पड़ता है, यह भी सरस्वती नदी के किनारे था और यहां से एक बहुत ही अच्छी चीज मिली हुई है, चांदी का मुकुट मिला हुआ है। चांदी का जो मुकुट मिला हुआ है यह कुड़ाल से मिला हुआ है और यह भी हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कुड़ाल में चांदी का मुकुट मिला हुआ है, जिसे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोग चांदी का उपयोग करते थे और चांदी का जो आयात होता था वह अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तो तब तक ये बस इतना जानिए कि कुड़ाल से चांदी का मुकुट मिला हुआ है। तो कुड़ाल, बनवाली और रोपड़ आज के वीडियो में तीन ऐसे जो नगर थे जिसकी बहुत ही छोटी चर्चा मैं कर दिया हूं और इतना काफी है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। और बुक्स अड्डा के नाम से एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स का रिव्यू करता हूं, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपटीशन की जो भी पुस्तकें होती हैं उसके बारे में बताता हूं और उसका निःशुल्क PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। तो बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को।